है एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ में चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और एक ही वीडियो में एग के साथ कैसे इसे बना सकते हैं और एगलेस कैसे बना सकते हैं, दोनों मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सिंपल सा केक है, बहुत ज़्यादा मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया, बस लुक वाइज और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, मॉइस्ट है, चॉकलेटी है, और जिनको चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी घर पर ये रेडी हो जाता है। लुकवाइज देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा केक बहुत ही डिलीशियस बना था। बनाना इसका प्रोसेस काफ़ी इजी है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस केक को बना रहे हैं ना तो परफेक्ट बनने वाली है ये। इस केक में मैंने कोई भी नोज़ल यूज़ नहीं किया है, कोई भी डेकोरेशन में कोई टूल्स यूज़ नहीं किया है, तो किसी ओकेजन के लिए भी इसे आप परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक जार में लिया है शुगर, नॉर्मल जो घर का चीनी होता है ना बस वही यहाँ पे यूज़ किया है, और साथ में यहाँ पे गर्म पानी लिया है। इसे एक बार ग्राइंड कर लेंगे हम, तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, और यहाँ पे गर्म पानी के साथ ही इसे आप ग्राइंड करें। अब इसमें एक कप यहाँ पे मैंने दही ऐड किया है, सभी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, और इसे एक बार पहले मैं छान लूँगी। इसे एक बार अच्छे से मैंने छान लिया है, और इसमें ऐड करूँगी मैं कोको पाउडर। कोको पाउडर ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड किया है, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, साथ ही स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है। अब यहाँ पे अगर आप एग से बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दो एग ऐड किया है, और अगर आप एगलेस बना रहे हैं तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे हाफ कप, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सिर्फ आपको एग के जगह मिल्क पाउडर ऐड करना है। बॉयल ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बैटर हमारा इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसमें मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है, अगर आप एगलेस बना रहे हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है, 2 पाउंड का ये मोल्ड है। ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छे से टैप कर लेना है, और जो एयर बबल्स है ना वो भी इसमें आ जाती है, तो उसे भी हम पहले निकाल लेंगे। तो उसके यहाँ पे इस तरह से आप प्रोसेस जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से टूथपिक से इस तरह से राउंड राउंड घुमा लें, टैप करके इसके एयर बबल्स जितने हैं ना वो निकाल दें, जिससे आपकी परफेक्ट केक बेक होती है। तो इस प्रोसेस को ज़रूर करें। तो इस तरह से मैंने राउंड राउंड घुमा लिया है, और अच्छे से इसे केक टिन को टैप कर लिया है। मुझे बबल्स एक्स्ट्रा लग रहे थे कि काफ़ी बबल्स अभी और भी हैं, तो एक बार मैंने ये प्रोसेस सेम किया है। प्री हीटेड ओवन में मैंने बेक करने के लिए 40 मिनट के लिए इसे रखा था। तो 40 मिनट के बाद आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी केक यहाँ पे बेक हो गई है। 10 मिनट इसे मैंने ठंडा भी कर लिया है। इसे मैं डीमोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही डिलीशियस बना था ये केक, काफ़ी सॉफ्ट भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। हल्का भी गर्म है। आप जब कंप्लीट ये ठंडा हो जाए ना तभी इसे डीमोल्ड करें। तो देख सकते हैं परफेक्ट केक बेक हुई है, और कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये। अब जो ऊपर का लेयर्स है ना उसे हम कट करके निकाल देंगे। अगर नॉर्मल आप केक को डेकोरेशन नहीं करना तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। बाकी अभी ये ऊपर के लेयर्स है ना वो मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी डिलीशियस लगता है। और अब इसे 10 मिनट के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है, उसे हल्के पीसेस में कट कर लूँगी मैं। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 3 चम्मच के करीब यहाँ पे दूध ऐड किया है, उसे माइक्रोवेव कर लिया है मैंने। डबल बॉयलर से भी आप इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। अब जो केक था ना उसको हल्का से इसे हम सोक करेंगे। तो ये गर्म है ना तभी इस काम को आपको करना है, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा ये गाढ़ा और हो जाएगा। तो इसे आप गर्म ही गर्म यूज़ करें, तो अंदर तक अच्छे से ये सोक हो जाता है, और केक हमारा खाने में और भी डिलीशियस लगता है। बस तो इसे अभी से मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया 1 कप, उसमें मैं यहाँ पे चॉकलेट ऐड कर रही हूँ जो मैंने मेल्ट करके रखा था। इसे मिक्स कर लेंगे हम इसमें, और इसी बैटर में से ना 1 से 2 चम्मच यहाँ पे मैं बचा भी लूँगी, वो डेकोरेशन में हम यूज़ करेंगे। इसे मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है, और बस केक के टॉप में मैं इस तरह से लगा रही हूँ। किसी भी तरीके का आज नोज़ल यूज़ नहीं किया है मैंने, तो इस तरीके से आप लगा लीजिए इसे। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है ये।
तो बस पाइपिंग बैग के सहायता से यहाँ पे मैंने इसे लगा लिया है। और जो चॉकलेट सिरप मैंने बचा के रखा था ना, उसे चम्मच से ही मैंने इस तरह से इसे डाल दिया ताकि ये डेकोरेशन में अच्छा लगे। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। और चॉकलेट कंपाउंड का मैंने एक पीस बचा के रखा था, उसे भी मैंने यहाँ पे ग्रेट करके डाल दिया है। टोटल चॉकलेट यहाँ पे मैंने 100 ग्राम यूज़ किया है। इसे किसी ग्रेटर से आप ग्रेट करके डायरेक्ट यहाँ पे मैं केक भी अप्लाई कर रही हूँ। और बस जो एक्स्ट्रा है उसे मैंने क्लीन कर दिया है। और डिलीशियस सा यहाँ पे मेरा केक रेडी हो गया है। लुक वाइज देख रहे हैं कुछ भी मैंने नहीं किया इसमें, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। खाने में तो बहुत ही डिलीशियस बना था। तो इस न्यू ईयर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए इस केक को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।